ओम शांति। बाप तो समझाते हैं, कोई भी हो उनको बाप का परिचय दो। देखो ना, आप जिसका संग कर रहे हो आपने बाबा का परिचय दिया, उसने कैसे रिएक्ट किया। आप बाबा को जान, आप बाबा के संग में, आप किसी को बाबा का परिचय दे रहे हो वो इग्नोर कर रहा है, ऐसे का संग आप कैसे कर सकते हो? माना जो आपके साथ ही कोई इग्नोर कर दे उसका संग आपको चाहिए, तो फिर माना आपको शिव बाबा का संग नहीं चाहिए। मान लो आपकी दोस्ती बाबा के साथ, ठीक है, आपने एक और दोस्त बनाया। अब आपका प्रयास क्या रहेगा कि हमारे तीन की दोस्ती हो जाए। तो जब आप उसको बाबा का परिचय दोगे, वो बाबा का अगर बनेगा तो ही तो तीन की दोस्ती बनेगी, वरना वो आपसे बाबा का साथ कब छुड़ा देगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको आपके बाबा का संग नहीं चाहिए। उसको आप तो चाहिए लेकिन बाबा साथ में नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, वो आपसे बाबा की दोस्ती छुड़वा देगा। इसलिए संग का रंग जरूर चढ़ता है, पर ये देखो आपके ऊपर रंग किसका चढ़ा हुआ है, तब जाके आप दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हो। है, कहीं कहते हैं बाबा मेरे साथ है, बाबा तो सबके साथ है, आप कितना बाबा के साथ हो पहले ये देखो। अगर आप बाबा के साथ हो फिर आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। कल भी बाबा ने कहा, बाबा रक्षा किसकी करेगा, जो बाप की याद में होगा। और जो बाप की याद में होगा माना वो बाप के संग में होगा, तो उसकी रक्षा होगी भले वो कहीं भी चला जाए। इसलिए अब आप देखना, मैं बाबा के संग में हूं या मैं किसी और के संग और किसी और के रंग में हूं, तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अभी का सीन भले नजर ना आता हो कि पछताना कैसा होगा, लेकिन भविष्य जरूर दिखाई देता है कि पछताना तो पड़ेगा, और पछताना पड़ता है। इसलिए वास्तव में ये कोई तुम्हारी परीक्षा शेर के पास भेजने की नहीं है, बाकी सारी परीक्षाएं आप अपने आप से लीजिए कि आपको किसके संग का रंग चढ़ा हुआ है। अगर नहीं चढ़ा हुआ तो दूसरे का जरूर चढ़ेगा। कईयों की बड़ी अच्छी दोस्ती होती है दूसरों से, लेकिन ऐसी दोस्ती का मुझे क्या करना जो मेरे बाबा का परिचय ही अनुभव ना कर सके। मेरी ड्यूटी है बाबा का परिचय देने की। आपकी ऐसो से दोस्ती जो यही ना स्वीकार करे कि बाबा कौन है, तो फिर ऐसो से दोस्ती रख के क्या फायदा। ऐसे दोस्त मैंने अपने दोस्ती रखी है, तो फिर आप तो फिर एक दोस्त के साथ तो वो कर रहे हो धोखाधड़ी है, तो मतलब वो कह रहे ऐसे से दोस्ती ना करो और आपने फिर भी गुप्त खाते में ऐसे से दोस्ती रखी है, तो धोखा है उसके साथ। क्या समझते हो, जिससे आपकी दोस्ती पहले आपका जो पहला दोस्त है उसके साथ होनी चाहिए ना। लौकिक में भी तो ऐसा ही होता है, आपका कोई पक्का दोस्त होता है और आपने तीसरा चौथा कोई दोस्त बनाया और जो पक्के दोस्ती से दोस्ती छुड़वा दे, तो फिर वो कैसा दोस्त है, उसके साथ तो सबको दोस्ती करनी पड़ेगी ना। तो बाप का परिचय दो तो आपको पता पड़ेगा ये सत्य क्या असत्य क्या है। अब हमको परिचय हो गया है तो मैंने कहा उसको भी परिचय दिला दो, और अगर उसको परिचय स्वीकार ही नहीं हो तो ये कैसी दोस्ती है, नहीं होती है स्वीकार, क्योंकि जो विकारों में ग्रसित होते हैं वो भगवान को कहां से पहचान लेंगे। आपने इसलिए पहचाना क्योंकि आप विकारों में नहीं थे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सच्चा दोस्त कौन है, इसके अलावा बाकी सब झूठे दोस्त है। यही साथ देगा, कहीं पर भी खड़े हो जाओगे तो यही साथ देगा। ओके, ओम शांति।